मध्य भारत के सबसे बड़े डाकला गरबा महोत्सव में हर कोई देवी के नौ रूप की आराधना की तैयारी में जुटा हुआ है। गरबा प्रतिभागी भी प्रस्तुति देने को तैयार नजर आ रहे हैं, क्योंकि वे हाथ के मूवमेंट्स के साथ फेस एक्सप्रेशन में भी मजबूत पकड़ बना चुके हैं। गुजरात के ठेठ पारंपरिक गरबा के बाद वेस्टर्न टच देकर फ्यूजन का प्रशिक्षण दिया गया। दबंग दुनिया समूह एवं श्री गुजराती समाज के संयुक्त तत्वाधान में डाकला गरबा महोत्सव का आयोजन 29 सितम्बर से 7 अक्टूबर तक विजयनगर श्री गुजराती समाज स्कूल ग्राउंड पर किया जाएगा। मुंबई के दिव्यानी बेंद्री ग्रुप द्वारा प्रस्तुत महोत्सव में वॉल्केनो डांस एकेडमी के प्रोफेशनल कोरियोग्राफर बलवीर सिंह प्रशिक्षण दे रहे हैं, जहां प्रशिक्षण स्थल गुजराती समाज स्कूल में प्रतिभागियों की बढ़ती संख्या व दर्शा रही है कि इंदौरियंस इस रंग और उमंग के त्योहार के लिए बहुत उत्साहित हैं। डाकला गरबा महोत्सव में प्रख्यात हस्तियों में एंकर व अभिनेता अमन वर्मा, टीवी एक्ट्रेस अशनूर कौर, इशिता दत्ता व रिद्धि डोंगरा के साथ प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता गुलशन ग्रोवर व अभिनेत्री अश्विनी कलसेकर प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन करने के लिए शिरकत करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि डाकला गरबा में बहुत बहुत ज़्यादा उत्साह है और काफ़ी लोग इस गरबे से जुड़ चुके हैं, और धीरे धीरे जैसे जैसे समय पास होता जा रहा है वैसे वैसे उत्साह चरम सीमा में पहुंच गया, और आपने जैसे देख ही लिया कि हमारी प्रैक्टिस कितनी जोरों पे चल रही है, आगे भी में ऐसी ही प्रैक्टिस होती रहेगी। इस गरबा उत्सव में बच्चे से लेकर उम्र दराज तक के लोगों ने पार्टिसिपेट किया है और सभी का उत्साह काफ़ी सराहनीय है और काफ़ी सब अपने लगन से सीख रहे हैं। रजिस्ट्रेशन होने के बाद काफ़ी कुछ मतलब संख्या तो गिन नहीं सकते इतने लोग हैं, मतलब अभी रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं और कंटिन्यूसली लोग आते जा रहे हैं, रजिस्टर दिन पे दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। जो लोग अब नए आ रहे हैं उनके लिए कोई स्पेशल व्यवस्था की है? जी बिल्कुल, जो लोग अभी नए रजिस्ट्रेशन हुए हैं उनके लिए हमारे कोरियोग्राफर्स जो असिस्टेंट कोरियोग्राफर्स हैं वो पूरी तरह उनके साथ लगे हुए हैं, जैसे कि आप पीछे देख ही रहे हैं किस तरह से वो प्रैक्टिस करा रहा है। कंटिन्यूसली हमारी तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है कि हम उन सभी को सिखाएं जिनको नहीं भी आता हो। मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड है सब लोग और बहुत मज़ा भी आ रहा है। किस तरह की प्रैक्टिस कराई जा रही है? प्रैक्टिस अभी तो ट्रेडिशनल गरबा ही बता रहे हैं। आपको कभी यहाँ देख कर लग रहा था कि अभी आप नए आए हैं तो नए लोगों के लिए प्रैक्टिस अलग से की जा रही है, तो आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, पहले नए लोगों को अलग तरह से प्रैक्टिस करवाने के बाद ही मतलब मेन गरबे में ला रहे हैं ताकि उन लोग को स्टेप्स आ जाएं। हम मेंबर है गुजराती स्कूल के, तो हम यहाँ गरबे करने के लिए आए हैं दौड़े दौड़े। पहले भी और कहीं भी गरबे? हम अभिव्यक्ति के पार्टिसिपेट हैं, यही स्कूल से थे हम। तो अब कैसा लग रहा है, पहले अभिव्यक्ति में क्या करते थे? यही था, पर टाइप्स ऑफ डिफरेंट सर है, ये है, तो ये हाँ स्टाइल, ये भी स्टाइल अच्छी है, काफ़ी अच्छी है, मज़ा आ रहा है, अच्छा है, एंजॉय।